खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले के नवीन औद्योगिक क्षेत्र घूमा कटरा का भ्रमण किया तथा वहां अधोसंरचना निर्माण कार्य के बारे में पूछताछ की। कलेक्टर ने कहा कि 25 हेक्टेयर के MSME औद्योगिक क्षेत्र के 92 प्लांट विकसित किए गए हैं जो उद्यमियों को आवंटित किए जा रहे हैं। इस नवीन औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए शासन द्वारा 14.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर ने कहा कि यह औद्योगिक क्षेत्र रीवा जिले में उद्योग के नए द्वार खोलेगा और उद्योग की स्थापना से जिला का परिदृश्य बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र रीवा एवं प्रयागराज के बीचों बीच है। दोनों शहरों से इसकी दूरी 65 किलोमीटर है। यहां रीवा एवं प्रयागराज के उद्यमी अपने उद्योग स्थापित कर आर्थिक उन्नति में भागीदारी बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि काफी बड़ी संख्या में उद्यमी अपने उद्यम स्थापना के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने गत दिनों आयोजित इन्वेस्टर्स बैठक में इस बात की सहमति भी व्यक्त की थी। भ्रमण के दौरान SDM PK पांडे, महाप्रबंधक उद्योग UB तिवारी, सहायक प्रबंधक उद्योग SK त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा की जो कमेटी है उनके सभी मेंबर्स और जो सुहागी रोड के संबंध में एक टेक्निकल टीम बनाई गई है उनके साथ इसका निरीक्षण किया गया है और MPRDC के लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जो इसमें कमियां दिख रही है, बहुत सारी कमियां तो ऐसे ही दिख रही है, उसके अलावा जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो कमियां हैं उसको तत्कालिक पूरा किया जाए। इसके एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म दो तरीके निकाले जाएँ, जो कि एक काम जो तात्कालिक रूप से किया जा सकता है उसको तो तत्काल करें। कुछ जगह पे ब्लाइंड कर्व्स हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो ब्लाइंड ना रहे। जो रूटीन की कार्रवाइयाँ हैं, जो पेंटिंग करने का काम, लाइट लगाने का काम, अनाउंसमेंट करने का काम, इसको पूरा किया जाए। जो जिम्मेदारियां हैं टॉल की जो कंपनी है उसकी, उसको डिटेल में कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, नहीं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जो रात्रि में हाईवे पेट्रोलिंग का काम है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसको करने के निर्देश दिए गए हैं। जो वहाँ पे एम्बुलेंस है, क्रेन है और हाईवा है वो रखने और उसके जो ड्राइवर्स हैं उनके डिटेल्स थाने के साथ शेयर करने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उनके मूवमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे ऑडियो से अनाउंसमेंट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पे स्पीड ब्रेकर है उससे आगे उसके इंडिकेटर और वहाँ पे पेंटिंग, इसको करने के निर्देश दिए गए हैं और स्पीड लिमिट भी 20 किलोमीटर करने और उसका अनाउंसमेंट करने के लिए बात की गई है। कोशिश की जा रही है कि इसको दुर्घटना से मुक्त किया जाए। क्या क्या उसने काम किया, कितने बजे वापस आया? दिन पूरी रात का 10 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे का जी हाईवे पेट्रोलिंग की आपकी गाड़ी का डेली का अपने को जानकारी मिलता रहे कि वो कब निकली, कहाँ गई, क्या किया उसने, और उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करा के भेजी आप। अपने आप इधर दिखने लगता है कि गाड़ी आ रही है, वो जा रहा था ना, तो मैं देख रहा था, हो पाया था, मैं हो रहा था क्या? जो थोड़ी सी ज़्यादा है, वो तो 6% का जो है मतलब हिल एरिया में है।